Hello students, today I am here with the good news for the students of class 8th of DAV board. Students, like CBSE, DAV has also released the revised syllabus for the students of class 8th for the session of 2020-21. And in this revised syllabus, many chapters are deleted from all your subjects. So let's see the deleted portion. In English, if we'll talk about the writing section, notice and message writing is now no more in your syllabus, and from literature, poetry, that is couplets and Bengal sailors, this is also now not in your syllabus. Mathematics mein aapke 3 chapters cut ho gaye hain. Chapter 5 profit loss and discount, 6 compound interest and 16 rotational symmetry. Sanskrit mein bhi jo hai aapke 3 chapters grammatical aapka diya hua hai, yahan pe 3 chapters jo hai aapke wo delete hain. अब अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में बेटा आपके ज्ञान सागर में से पद्य खंड में से है आपका लेसन 4, लेसन 8 और लेसन 13, दैट इज़ दोपहरी. उसके बाद आपके दोहे हैं और जो चैप्टर 13 है वो है आपका सुर तुलसी के पद, ठीक है. और गद्य खंड में से आपके 3 चैप्टर्स रिलेटेड हैं, दैट इज़ बातचीत की कला, सोना और जीवन का सच. ये हैं आपके लेसन 10, 17 और 19. ये तीनों ही जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है. अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि चैप्टर 1 दिन का और आकाश को 7 सीढ़ियाँ, ये दोनों लेसन जो है केवल पढ़ने के लिए दिए गए हैं. इसका मतलब ये है कि इसमें से आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है. लेकिन इन चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी ग्रामर वर्क है आपकी अभ्यास सागर में, वो आपको करवाया जाएगा. यानी इन चैप्टर से रिलेटेड जो ग्रामर वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है. साइंस में आपका एक ही चैप्टर डिलीट हुआ है, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. एंड SST में, ज्योग्राफी में एक चैप्टर डिलीट हुआ है, चैप्टर 7 ह्यूमन रिसोर्सेज. हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, दैट इज़ चैप्टर 9 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रोल इन इंडिया एंड चैप्टर 10 कॉलोनाइजेशन एंड दैट इज़ रूरल इन ट्राइबल सोसाइटीज़. देन पॉलिटिकल साइंस में आपका एक चैप्टर डिलीट हुआ है, वो है आपका चैप्टर 22 सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है बेटा. अगर हम लोग पंजाबी और हिंदी की बात करते हैं, तो इसका अगर कुछ और चेंजेस होगा तो इट विल बी फॉरवर्डेड शॉर्टली, आपको बहुत जल्दी जो है उसके बारे में इंफॉर्म कर दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you all are now somewhere relaxed, but of course you have to work very hard. Okay students, stay blessed, keep working hard and keep learning with Sandeep Bihan. Have a good day.